अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आप सब लोग कैसे हो? आज हम बना रहे हैं डोसे। उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने इस बोल से दो बोल चावल लूँगी। ये एक बोल है, इसमें एक बोल मैं डाल चुकी हूँ। ये चावल है और ये रही दाल, माश की दाल है फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं इतनी दाल ले रही हूँ इतने चावल के लिए। मैंने इस बोल से टू बोल चावल लिए है, थोड़ा सा कम इसे मैंने इतनी दाल ली है। ये माश की दाल है, इसे अब हम अच्छे से धो लेंगे। 2 आवर्स के बाद इसे हम पीसेंगे। इसे मैं 3-4 पानी से धो ली हूँ। ये 4th वाटर है, ये भी हम फेंक देंगे। ये वाटर भी मैंने धो लिया है, इसमें मैं अपनी पानी साफ पानी डाल के रख चुकी हूँ। इसे हम 2 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। डोसे के राइस बिल्कुल अलग होते हैं फ्रेंड्स, जैसा इडली का रवा अलग होता है वैसे ही डोसे के चावल भी बिल्कुल अलग होते हैं। हमारे राइस हम ग्राइंड कर रहे हैं। ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच 2 टीस्पून नमक डालेंगे और ये है बेकिंग सोडा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें बेकिंग सोडा डालने की वजह से ईस्ट आएगा हमारे इस बैटर पर 12 आवर्स के बाद। फ्रेंड्स, इसे हमें हाथ से मिलाना है, चमचे से नहीं। हम जो हाथ हमें साफ धोकर हमें हाथ से इस बैटर को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, तभी हमारे बैटर पर बहुत ही शानदार सा ईस्ट आएगा। तो अब हम मिला लेते हैं इसे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये दिसंबर का महीना है तो इसे हमें कोई गर्म प्लेस पर रखना है जिसे आसानी से ईस्ट आ सके। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर ईस्ट आए, इसे अच्छी गर्म से गर्म जगह पर रखें। ओके फ्रेंड्स, अब फिर हम जब इस पर ईस्ट आ जाएगा मैं उसे इसे तब दिखाऊंगी आपको। फ्रेंड्स देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी है, ना पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी है। हमें इसमें पानी बाद में नहीं डालना है, अगर अभी कुछ इसका एडजस्टमेंट करना है तो इसमें ईस्ट आने से पहले ही हम एडजस्ट कर लेना है पानी जितना भी डालना है, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी इसी तरीके से रखनी है। मैं इसमें थोड़ा सा मेथी पाउडर डाली हूँ और ज़ीरा भी डाली हूँ जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा थोड़ा सा मेथी पाउडर डाल दिया है। अब हम इसको रख लेंगे इसमें ईस्ट आने तक। बहुत ही अच्छे से ईस्ट आया है, अब हम इसके डोसे बना सकते हैं। ये हम डोसे की चटनी बना लेंगे। ये फूले चने की दाल है, थोड़ी सी कोथमीर, हरी मिर्च और लहसुन, और इसमें थोड़ी सी मूंगफली भी मिला लेंगे हम। इस गन पाउडर में देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा करिया पाक, लहसुन, धनिया, जीरा, माश की दाल। अब हम ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसमें लाल मिर्च डाल लेंगे हम, फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। सॉस रेडी है हमारी डोसे की, रेड सॉस भी रेडी है हमारी, गन पाउडर भी रेडी है, आलू भी बॉईल हो चुके हैं। हम इसे आलू का साग बना लेंगे। ये थोड़ी सी प्याज कर ली हमने, इसमें थोड़ा सा करिया पाक और राई के बीज डाल के इसे हमने बगा लिया। इसमें हम मैश किया हुआ आलू डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी और नमक, और मैश किया हुआ आलू हमारा साग तैयार हो जाएगा। मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल लिया है, अब आलू डालूंगी। मैंने इसमें थोड़ी सी कोथमीर डाल ली है। ये हमारा आलू का सालन तैयार है। हमें थोड़ा सा उपमा बना लेना है। मैंने राई के बीज डाले हैं, तेल डाला है, इसमें रवा डाल के थोड़ा सा उपमा बना दें। हमारा उपमा बन चुका है, अब हम डोसा डाल लेंगे पैन में। तवे पे डालेंगे हम डोसे को। मैंने तवा रख दिया है, ये मैंने तवा डाल दिया है। तो डोसे का बैटर इसे फैला लूंगी मैं। ये
सूख चुका है, इस पर हम हमारा थोड़ा सा जो उपमा है वो डाल लेंगे, हमारा जो गन पाउडर है ये गन पाउडर डाल लेंगे हम। ये हमने बटर डाल लिया है इस पर, इसे हम फैला लेंगे। मैंने इस पर थोड़ी सी प्याज और कोथमीर डाल लिया है, थोड़ा सा हम टमाटे का रस डाल लेंगे इस पर। क्रिस्पी टाइप का है फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त सा बना है, ये देखिए फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी बना है ये। देखिए फ्रेंड्स हमारा डोसा थाली हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही क्रिस्पी, आप आवाज सुन सकते हैं इसकी, इतना शानदार सा बना है। ये है आलू का सालन, ये है हमारी चटनी, ये रही चटनी हमारा ऐसा हम घर में बना के इस तरीके से हम हमारा शानदार तरीके से नाश्ता कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप घर का डोसा, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आप घर में बनाकर इसे आसानी से खा सकते हैं। और इसके अंदर देखिए हमने जो हमारा गन पाउडर है हमने वो डाला, इसमें थोड़ी सी प्याज, आप इसे जरूर ट्राई करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिए और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।